नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी लोक नाट्य के स्वरूप और प्रकार। तो विभिन्न विश्वविद्यालयों के सिलेबस में, पाठ्यक्रम में यह टॉपिक शामिल रहता है कि हिंदी के लोक नाट्य कौन कौन से हैं और इनके स्वरूप और प्रकार क्या है। तो इस टॉपिक का अध्ययन हम इन बिंदुओं के आधार पर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि प्रस्तावना, लोक नाट्य होता क्या है और उसका स्वरूप क्या है। इसके बाद हिंदी प्रदेश के जो विविध लोक नाट्य हैं, हिंदी भाषी जो प्रदेशों में जो लोक नाट्य प्रचलित हैं, जैसे कि विदेशिया, फिर विदापद, नाच या कीर्तनिया, डोमकच जिसे स्त्री लोक नाट्य कहा जाता है, जट जटिन, रामलीला, रासलीला, नौटंकी, माच या ख्याल, नाचा, सांग और अंत में देखेंगे निष्कर्ष। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए क्योंकि मैंने बहुत सारे टॉपिक को इसमें शामिल किया हुआ है, जितने भी लोक नाट्य होते हैं जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत तक आप मेरे साथ बने रहें तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं हम प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। परीक्षा में यह प्रस्तावना शब्द लिखने की जरूरत नहीं होती, यहां से आप सीधा उत्तर लिखना शुरू कर सकते हैं। लोक नाट्य वे नाट्य हैं जो आम जनता द्वारा किसी मिथक रचित एवं प्रदर्शित होते हैं। लोक नाट्यों के कथानक प्रायः लोक प्रचलित होते हैं, जिनमें पौराणिक और ऐतिहासिक और लोकवार्तागत प्रसंगों का समावेश होता है। लौकिक एवं किंवदंतियां और काल्पनिक प्रेम कथाएं भी इन नाट्यों का विषय बनाई जाती हैं। इनका कथानक प्रायः ढीला ढाला होता है और पूर्वार्ध में जितनी विलंबित गति से कथा बढ़ती है, उत्तरार्ध में उतनी ही द्रुत गति से घटनाएं आगे बढ़ती हैं। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे जो लोक नाट्य होता है वह मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है। पौराणिक कथा कहानियों, किंवदंतियों, ऐतिहासिक घटनाओं अथवा जनमानस में जो प्रचलित कथा कहानियां हैं उन पर यह आधारित होती हैं। जैसे वार्तालाप जैसा इसका, जैसे मंच पर दो किरदार आपस में वार्तालाप करते हैं, पात्र वार्तालाप करते हैं, इस प्रकार का इसमें घटनाओं का समावेश होता है। और इनका कथानक बहुत ही चुस्त नहीं होता है, जैसे कि सिस्टमेटिक जो थिएटर होता है, जो नाटक होता है, उस तरह का सिस्टमेटिक नहीं होता है, ढीला ढाला कथानक होता है। शुरुआत में कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सेकंड हाफ में, उत्तरार्ध में, यह बहुत तेज गति से आगे बढ़ती है। तो ये लोक नाट्य मतलब लोक कथाओं पर आधारित, लोक गाथाओं पर आधारित, किंवदंतियों पर आधारित, मिथकों पर आधारित होते हैं। वे लोक नाट्य अधिक सफल होते हैं जिनमें घटनाओं के शिल्प विधान के स्थान पर जीवन की झांकियों की लड़ी होती है, जिनमें पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं का पूर्व परिचित दर्शक होता है। लोक रंगमंच के दर्शक कथानक के चमत्कार पूर्ण अंश अथवा घटनाओं के कौतूहल पूर्ण उद्घाटन की आशा नहीं करते, वे प्रायः इससे पहले से ही परिचित रहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसमें, क्योंकि जो लोक नाट्य के जो दर्शक होते हैं पहले से इन कथा कहानियों से परिचित होते हैं, तो उनका कोई यह आशा नहीं रहती कि कोई नई चीज, कोई सस्पेंस या कोई थ्रिलर होगा इसमें, बल्कि वे प्रायः इससे परिचित होते हैं। और जितनी भी घटनाएं होती हैं वे आम जनजीवन से प्रभावित होती हैं, लोक जीवन से प्रभावित होती हैं और उन्हीं से वे घटनाएं उठाई जाती हैं जिनसे वे प्रायः परिचित होते हैं। हमारा जो देश है भारत, बहुजातीय, बहु सांस्कृतिक और बहुरंगी देश है। अनेक लोक कलाएं, लोक नाट्य रूप, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, इसके विभिन्न प्रांतों में बिखरे पड़े हैं। तो केवल हिंदी भाषी राज्यों में नहीं बल्कि विभिन्न प्रांतों में भी अपने अपने लोक नाट्य प्रचलित होते हैं, क्योंकि हमारा देश है अनेकता में एकता और विविधता में एकता वाला देश है, बहुत सांस्कृतिक देश है, बहुत सारी संस्कृतियां पाई जाती है। आश्चर्यजनक रूप से इतनी विविधता के बावजूद भारतीय लोक नाटकों में एक जबरदस्त एकरूपता दिखाई देती है। लोक नाट्य को लोक नाटक भी कहते हैं, यद्यपि अलग अलग प्रांतों के लोक नाट्य अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें एक एकरूपता दिखाई जाती है, क्योंकि ये प्रायः पौराणिक कथा कहानियों की विदंतियों इत्यादि पर आधारित होते हैं, या फिर जो आंचलिक कथा कहानियां हैं, क्षेत्रीय कथा कहानियां हैं, उन पर आधारित होते हैं। यह एकरूपता शिल्प के स्तर पर, मतलब शिल्प मतलब जो टेक्निक होता है उसके स्तर पर भी, संगीत की प्रधानता सभी में होती है, कथा वस्तु अथवा सूत्रधार या विदूषक के रूप में दिखाई देती है। मतलब भारत के जितने भी प्रांत हैं उनमें शिल्प के स्तर पर एकरूपता दिखाई देती है। लोक नाट्यों में संगीत की प्रधानता सभी में पाई जाती है, कथा वस्तु उसका जो कंटेंट होता है वह भी लगभग एक जैसा होता है, और सूत्रधार या विदूषक जो कॉमेडियन का जो पात्र होता है, जो कॉमेडी करता है, विदूषक या सूत्रधार जिसे कहते हैं, जो प्रेजेंट करता है, वह भी इसमें एकरूपता दिखाई देती है। लगभग सभी लोक नाटक किसी न किसी रूप में नाट्य शास्त्र में वर्णित विधि का पालन करते हैं।
सूत्रधार, नट नटी, विदूषक इत्यादि नाट्य शास्त्र से ही इधर आए हैं। यही वह धागे हैं जिनसे बंधकर एक भौगोलिक स्थितियों में न होने के बावजूद भारत जैसे विशाल देश में जातीय संस्कृति की एकता दिखाई देती है। तो ये जो विदूषक या सूत्रधार या नट नटी कहां से आए? भारतीय जो काव्य शास्त्र है, प्राचीन काव्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, या फिर पहले जो संस्कृत में जो नाटक खेले जाते थे उसमें सूत्रधार और नट नटी या विदूषक इनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, वहीं से यह लेकर आए हैं। इसी कारण इन ये जो मूल जो तत्व है वह प्रायः सभी लोकनाट्यों में, सभी राज्यों के लोकनाट्यों में यह मौलिक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उनमें एकरूपता दिखाई देती है। वैसे संस्कृत नाटकों के बाद मध्यकाल के भक्ति आंदोलन ने लोक नाटकों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि दक्षिण से लेकर सुदूर पूर्व तक लोक नाटकों के कथानकों का बड़ा आधार जनमानस में प्रचलित धार्मिक आख्यान ही रहे। आपको मालूम है कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी दक्षिण भारत में हुई थी, जैसे इसमें कहा जाता है भक्ति द्रावणी उपजे लाए रामानंद, तो उत्तर भारत में यह रामानंद के माध्यम से लाया गया था। तो इन जो नाटकों के विकास में, लोक नाटकों के विकास में भक्ति काल की, मध्य काल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और सुदूर दक्षिण से लेकर जो उत्तर भारत, मध्य भारत या फिर पश्चिम भारत में जो भी लोकनाट्य प्रचलित हैं उनका मूल आधार क्या है? जनमानस में प्रचलित धार्मिक आख्यान, धार्मिक कथा कहानियां, पौराणिक कथा कहानियां हैं। राम और कृष्ण की कथाएं इन नाटकों में कथ्य का काम करती रही और आज भी गतिमान अवस्था है। तो मूल प्रेरणा कहां से मिलती है लोक नाटकों को? भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा कहानियों से इनको मूल प्रेरणा मिलती है। इसके बाद लोक नाटकों के मंच ने खुले में उपेक्षित जन समुदाय के बीच खड़े होकर अपना स्वरूप और पाठ रचा तथा संस्कृत एलिट थिएटर को चुनौती दी, साथ ही अपना एक व्यापक स्पेस बनाया। पहले जो संस्कृत के नाटक होते थे वे एलिट क्लास के लिए वे नाटक खेले जाते थे, मतलब अभिजात वर्ग, समाज का जो बड़ा वर्ग है, जो ऊंचा तबका है, उसके लिए यह नाटक खेले जाते थे। लेकिन बाद में जनमानस ने ओपन थिएटर में, ओपन थिएटर मतलब खुला मंच, जहां कोई कमरे की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़े भवन की जरूरत नहीं, कोई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, थिएटर की जरूरत नहीं, ओपन थिएटर कहीं पे भी अपना बना लिए छोटा सा मंच और वहां पर वे शुरू हो गए। तो इसके माध्यम से इन्होंने अपना व्यापक स्पेस बनाया और जो एलिट क्लास की, जो अभिजात वर्ग का जो संस्कृत नाटक था उसको इन्होंने चुनौती देने का भी प्रयास किया और जन समुदाय के बीच इन्होंने अपना एक अलग थिएटर निर्मित किया, ओपन थिएटर, जिसे मुक्ताकाश कहा जाता है। दरअसल इसकी व्याप्ति का बड़ा कर रहा कि यह संवादों और गीतों, संगीतात्मकता पर अधिक जोर देता है, जो जनता के हृदय में सदियों से उसके सुख दुख के साथी रहे। जो आम जनता है वह क्या है, आपस में संवाद को, जैसे ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा सब लोग आपस में एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं, बात करते हैं, अंत में यही पूछ लेते हैं कि आपके यहाँ सब्जी क्या बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ उनको बात करने का बहाना चाहिए, तो संवाद बना रहता है, आपस में एक दूसरे का छेड़छाड़ करते हैं, चुलबाजी करते हैं, मजाक करते हैं। तो ग्रामीण परिवेश में आज भी ऐसा होता है और गीत संगीत पर ये बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि सदियों से ही जो गीत संगीत है और आपसी जो संवाद है वे सुख दुख के साथी हैं, इसीलिए ग्रामीण परिवेश में लोग अकेलापन फील नहीं करते, अकेलापन महसूस नहीं करते, आपस में ज्यादा उनमें मेलजोल रहता है। तो सही मायनों में यह हमारे लोक संस्कृति का अटूट हिस्सा है, इसलिए लोक नाटकों को हमारी जाति संस्कृति का प्रमाणिक दस्तावेज माना जा सकता है, क्योंकि यह अपने स्थानीय तत्वों के सहारे अपना स्वरूप निर्मित करती है। इस प्रकार जो लोक नाटक होते हैं उनके केंद्र में हमारी जातीय संस्कृति, जाति मतलब स्थानीय संस्कृति, हमारे जीवन से जुड़ी हुई जो संस्कृति है, जो कथा कहानियां हैं, उन तत्वों के सहारे यह लोकनाट्य अपना स्वरूप निर्मित करता है, इसलिए हम इसे जातीय संस्कृति का प्रामाणिक दस्तावेज कह सकते हैं। इसलिए भारतीय रंगमंच का इतिहास भी तब तक अधूरा है जब तक इसे लिखते समय इन लोकनाटकों के इतिहास और भारतीय रंगमंच के विकास में इनकी भूमिका को अनिवार्यतः महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इसलिए जब यदि भारतीय रंगमंच का इतिहास लिखा जाता है और यदि इन लोक नाटकों को शामिल नहीं किया जाता, लोक नाट्यों को शामिल नहीं किया जाता, तो यह भारतीय रंगमंच का अधूरा इतिहास होगा, क्योंकि लोक नाट्यों के इतिहास को, लोक नाट्यों के रंगमंच को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देना पड़ेगा और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। शायद यही वजह है कि संप्रेषण के जादुई और नित नए उपकरणों के बीच भी लोक रंगमंच मजबूती से अपनी जमीन पर खड़ा है, उतनी ही प्रसिद्धि से और उतनी ही व्याप्ति से। तो आप थिएटर के नए नए संसाधन आ गए हैं, वैज्ञानिक युग है, 21वीं शताब्दी में हम जी रहे हैं, आधुनिकता के दौर में जी रहे हैं, तो एक से बढ़कर एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लोक नाट्य का महत्व कहीं से कम नहीं होता, यह उतने ही प्रसिद्ध है जितने पहले प्रसिद्ध है।
ऐसा होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि इन नाटकों का मंच लोक का चित्त है, ना कि कोरी सैद्धांतिक किताबें। जो बड़े बड़े मंच पर जो क्लोज जो थिएटर होते हैं वहां पर जो नाटक खेले जाते हैं वे किताबों पर आधारित रहते हैं, बड़े बड़े राइटर के जो नाटक होते हैं उन पर आधारित होते हैं। लेकिन जो लोक नाटक है उनका मंच क्या होता है, लोगों का दिल और दिमाग होता है, लोगों का चित्त होता है, न कि केवल सैद्धांतिक किताबें। सच कहें तो लोक नाट्य सामूहिक आवश्यकताओं और प्रेरणाओं से निर्मित होने के कारण लोक के करीब होते हैं, क्योंकि जो लोक नाटक है उसमें स्थानीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। स्थानीय धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जितने भी प्रकार के जो वातावरण है उन सबका यह प्रतिबिंब होता है। सामाजिक जो आवश्यकताएं हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में और बिहार जैसे कुछ राज्यों में भी छठ पूजा का पर्व मनाया जा रहा है बहुत उत्साह और धूमधाम से, तो सामूहिक आवश्यकताएं और प्रेरणा इनको जन्म देती है। जैसे गुजरात में गरबा है, तो इसी कारण ये क्या है, लोक के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि इनमें पूरा लोक का जीवंत रूप में परिलक्षित होता है, प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए हबीब तनवीर जैसे रंगकर्मी, हबीब तनवीर नाम के बहुत बड़े डायरेक्टर हुए छत्तीसगढ़ के, इनका लोक नाट्य रूप नाचा गम्मत शैली के प्रयोक्ता है, इन्होंने शुरू किया था नाचा गम्मत। इन रंगकर्मियों ने तो इसे वैश्विक रंगमंच पर खड़ा कर विश्व को भारतीय रंगमंच का एक और नया पक्ष दिखाया है। हबीब तनवीर जैसे कुछ ऐसे डायरेक्टर हुए हैं जिन्होंने विश्व स्तर पर स्थानीय प्रतिभाओं को मौका देते हुए लोक नाट्य को विश्व के अलग अलग हिस्सों में जाकर इसे खेला है और इसे दिखाया है। लोक नाटकों में गीत संगीत तत्व और नृत्य की प्रधानता होती है, अतः स्वाभाविक रूप से संगीत और गीत लोक नाटकों का मजबूत पक्ष है। इनका आश्रय पाकर यह लोक परंपरा आज तक निर्वाध रूप से गतिशील है। तो यह लोक नाट्यों की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, उनका गीत और संगीत और नृत्य होता है। इसी के कारण ये आज भी बहुत ज्यादा प्रचलित है और निर्बाध रूप से इनका आज भी इनका थिएटर खेला जा रहा है और इसे देखा जा रहा है व्यापक तौर पर। अब हम, ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन कि लोक नाट्य होता क्या है। अब हम देखेंगे कि हिंदी भाषी जो प्रदेश है, हिंदी के जो प्रदेश है उनमें विभिन्न प्रकार के लोक नाट्य क्या होते हैं। लोक नाट्य मतलब लोक नाटक। पहला है विदेशिया। विदेशिया नाम से स्पष्ट है, विदेश मतलब फॉरेन, यहां पर फॉरेन से मतलब वो विदेश नहीं है बल्कि अपने स्थान को छोड़कर जो दूसरे जगह जाते हैं। विदेशिया भोजपुर अंचल का लोक नाट्य है, ये हमारा पहला लोक नाट्य है आज का। तो विदेशिया भोजपुर अंचल का लोक नाट्य है, भोजपुरी जो बिहार में बोली जाती है, जो है तो मूलतः एक लोक नाटक, परंतु इसकी कल्पनातीत प्रसिद्धि और जादुई प्रभाव ने इसे लोक नाट्य रूप का पर्याय सिद्ध कर दिया है। मतलब विदेशिया सर्वाधिक प्रचलित लोक नाट्य है और बहुत ही प्रसिद्ध है, यद्यपि यह भोजपुर में दिखाया जाता है, खेला जाता है। इसके प्रणेता कौन थे, इसकी शुरुआत किसने की थी, भिखारी ठाकुर ने की थी, और उस वक्त इस नाट्य रूप को भिखारी ठाकुर के नाच के तौर पर प्रसिद्धि मिली हुई थी। तो इसके शुरुआत करने वाले भिखारी ठाकुर थे, पहले इसे कहा जाता था भिखारी ठाकुर का नाच। दरअसल भिखारी ठाकुर के भोजपुरी सांस्कृतिक जीवन में प्रवेश करने से पूर्व इस क्षेत्र का रंगमंचीय स्वरूप क्या था, यह अपने आप में शोध का विषय है। किसी को नहीं पता कि भिखारी ठाकुर ने जब इसका प्रचलन शुरू किया तो इसके पहले इसका स्वरूप क्या रहा होगा, यह शोध का विषय है। कुछ अन्य प्रकार के यहाँ पर लोक नाट्य हैं, जैसे नेटुआ का नाच और जोगिरा। इसके मूल में निश्चय ही कोई मूल आंचलिक परंपरा रही होगी। हो सकता है विदेशिया का ही एक स्वरूप यह भी है कि नेटुआ का नाच और जोगिरा, जो भोजपुर क्षेत्र से है वे इसे बेहतर समझ सकते हैं। तो इन सब के मूल में क्या है, आंचलिक कोई परंपरा रही होगी। उसी के बीज को ग्रहण कर बंगाल की यात्रा, यह भी महत्वपूर्ण है, बंगाल में यात्रा नाम का लोक नाट्य है, वहां से प्रेरणा प्राप्त कर भिखारी ठाकुर ने इस रंगमंच को पुनर्जीवित किया, दोबारा शुरू किया। तो बंगाल की यात्रा का भी इस पर प्रभाव देखा जाता है। भिखारी ठाकुर अपना पहला नाटक विदेशिया लेकर मंच पर उतरे तो लोगों को और कुछ न सूझा, उसे विदेशिया नाच कहकर पुकारने लगे और वह लोगों को इतना भाया कि भिखारी ठाकुर अपने मंच से कोई भी नाटक प्रस्तुत करें वह विदेशिया का नाच ही कहा जाता था। तो इतनी बड़ी हस्ती थे भिखारी ठाकुर, तो जब वो मंच पर प्रस्तुत करते थे कोई भी किसी भी प्रकार का ड्रामा या फिर नाटक तो उसे विदेशिया नाच ही कहा जाता था, क्योंकि यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था उनके नाम से, लोग उसे विदेशिया का नाच कहते थे, चाहे नाटक कुछ भी हो विदेशिया के द्वारा प्रस्तुत। एक लोक नाटक की इतनी व्याप्ति, प्रसिद्धि और उसके केंद्र में भिखारी ठाकुर का रंगकर्म, जो उनके किसी भी प्रदर्शन के लिए रूढ़ हो जाना एक अभिनेता और उसके परफॉर्मेंस की सफलता भी है। मतलब देखिए विदेशिया जो लोक नाट्य है उसको उन्होंने इतना प्रसिद्ध कर दिया, प्रचलित कर दिया कि वह उनके नाम से ही रूढ़ हो गया। विदेशिया और भिखारी ठाकुर एक दूसरे के पर्याय हो गए और यही एक अभिनेता की, उसके परफॉर्मेंस की सच्ची सफलता है, उसके प्रदर्शन की सच्ची सफलता है।
विदेशिया बाद में अपने कथ्य और परिवेश की वजह से एक बड़े सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन का रूप ले बैठा। मतलब यह अत्यंत प्रसिद्ध हो गया और यह पूरे भोजपुर क्षेत्र में यह बहुत ही प्रचलित हो गया, अत्यंत विश्व स्तर पर यह प्रसिद्ध हो गया। यह भोजपुर अंचल के प्रवासी गिरमिटियों, गिरमिटिया मतलब होता है बंधुआ मजदूर, और पीछे रह गए उनकी प्रेषित पतिका नायिका, मतलब पति के परदेश जाने पर दुखी स्त्री की आंख का पानी है। मतलब भोजपुर क्षेत्र में क्या होता है, या फिर आज पूरे भारतवर्ष में जो कृषि प्रधान जो जो लोग हैं, जिनका जिनकी आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है, लेकिन कुछ समय तक कृषि कार्य करते हैं, 4-5 महीने बाद वे बेरोजगार हो जाते हैं, उनका रोजगार खत्म हो जाता है, तो वे कमाने खाने के लिए फिर दूसरी जीविकोपार्जन के लिए वे दूसरी जगह चले जाते हैं अपनी जगह को छोड़कर। और जब पति अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाता है तो पति भी वहां जाकर अपनी पत्नी को याद करता है, जैसे नागार्जुन की कविता है सिंदूर तिलकित भाल। और वैसे ही जो यहां पर नायिका है, प्रेषित पति का नायिका, मतलब जो पति को परदेश भेज दिए, पति वहां परदेश में जाकर बंधुआ मजदूर हो गया, मजदूरी कर रहा है, उसकी याद आती है पत्नी को, पति के साथ जो गुजरे हुए मधुर क्षण है उनकी उसे याद आती है और उसके आंख से पानी बहने लगते हैं। तो पति और पत्नी दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, एक दूसरे को याद करते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। विदेशी का मंच खुला होता है, कई बार इसे तीन तरफ से और पीठ की ओर एक सफेद कनात तानकर खड़ा कर दिया जाता है, तो कभी चौतरफा खुला स्पेस के प्रदर्शनों में देखा गया है। क्योंकि यह ओपन थिएटर है, मुक्ताकाश है, किसी बंद कमरे में किसी हॉल में नहीं खेला जाता, तो कई बार क्या होता है एक तरफ खाली पर्दा लगा देते हैं पीछे साइड, या फिर तीन तरफ पर्दा लगा देते हैं सामने खुला रखते हैं, और ओपन स्पेस में इसको खेला जाता है लोकनाट्य को। और इसमें पात्रों की वेशभूषा और मंच की दृढ़ता नहीं होती, कोई पर्टिकुलर यहां पर वेशभूषा नहीं होती पात्रों की, थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, और मंच भी बहुत कठिन नहीं होता कि बनाने में इसको तकलीफ हो। संस्कृत की तरह पहले देवी स्तुति से शुरुआत होती है, जैसे संस्कृत नाटकों में देवी की स्तुति होती है, फिर हारमोनियम, झाल, खड़ताल, ढोलक और नगाड़े की ध्वनियों के मध्य सूत्रधार या लबार या बातिक कथा प्रसंग को आगे बढ़ाता है। तो जो सूत्रधार होता है, जो प्रेजेंट करता है, या फिर जो कॉमेडियन होता है, विदूषक होता है, ये कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। इसका एक सूत्रधार होता है जो कथा के बारे में बताते जाता है कि अब क्या होगा, क्या होने वाला है, या फिर पात्रों का चित्र, पात्रों के बारे में बताता है, उनको इंट्रोड्यूस करता है। विदेशिया के मंच पर ही सभी पात्र एक तरफ कनात अथवा पीठ की तरफ संगीत गायक मंडली के साथ बैठे रहते हैं और उससे सुर मिलाते रहते हैं। मंच की तरह इसका सांगीतिक पक्ष भी सहज होता है। इसमें गीतों के बीच बीच रामा हो रामा तथा सांच बराबर तप नहीं की टेक लगते रहती। जब वो गाना गाते रहते हैं तो बीच बीच में ये बोलते रहते हैं रामा हो रामा या सांच बराबर तप नहीं, और जो इनके जो कलाकार हैं वे गायक मंडली के साथ ही पीछे बैठे रहते हैं पर्दे के पास, या फिर लेफ्ट साइड में या राइट साइड में बैठे रहते हैं, और ये सभी लोग सुर मिलाते रहते हैं गाते हुए। तो मतलब बहुत ही जबरदस्त माहौल रहता है इसको देखने में। जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जो ग्रामीण परिवेश से हैं भोजपुर अंचल के, वे निश्चित रूप से इस लेक्चर को भी पसंद कर रहे होंगे और इसका मजा भी उठाते होंगे। कथा के आगे बढ़ने के क्रम में उन्हीं में से अभिनेता उठकर अपनी भूमिका में घुस जाते हैं और अपना पाठ किरदार खेलकर पुनः उसी स्थान पर बैठ जाते हैं। इस लोक नाट्य रूप में इन्हें समाजी कहा जाता है। तो इसके जो किरदार होते हैं, जो पात्र होते हैं, इन्हें समाजी कहा जाता है। जैसे उनका पार्ट आता है तो वे आते हैं मंच पर, अपना प्रेजेंट करते हैं, एक्टिंग करते हैं, उसके बाद जाकर पुनः अपनी जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। कई विद्वानों ने इस नाट्य रूप को राजस्थान के तख्ता तोड़ नाच, राजस्थान में कोई तख्ता तोड़ नाच है लोकनाट, इसके आधार पर इसे चौकी तोड़ नाच भी कहते हैं, पर इस तर्क को पूरी तरह मानने का कोई वाजिब आधार नहीं दिखता है। तो कुछ लोग यह बोलते हैं कि इस तरह का है, इसे चौकी तोड़ भी कहते हैं, लेकिन इसको मानने का कोई निश्चित आधार नहीं दिखता। विदेशिया अगर मशहूर है तो उसके रचयिता भिखारी ठाकुर के नाच पर, विदेशिया क्यों प्रसिद्ध है, भिखारी ठाकुर के नाच के नाम पर। विदेशिया इस मामले में अनूठा नाट्य रूप है कि इसने अपना रूप अपने एक नाटक के आधार पर रचा, और जिसे आज भी कई रंगकर्मी अलग फॉर्म मानने को तैयार नहीं, वह इसे नाट्य कथाना के तौर पर ही देखते हैं। तो वास्तव में अलग टाइप का फॉर्म है, लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्म है, लेकिन जो नाटककार हैं आजकल, जो विद्वान हैं, जो रंगकर्मी हैं, उनका मानना है कि कोई अलग फॉर्म नहीं है बल्कि एक सामान्य नाटक जैसा ही है। मगर विदेशिया के अपने प्रदर्शन की लोकप्रियता ने इन रंगकर्मियों की आवाज को नक्कार खाने में तूती की आवाज सिद्ध की है। भोजपुर अंचल का यह नाट्य रूप इस समाज का सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। तो जो रंगकर्मियों का कहना है कि सामान्य सा नाटक है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यह भोजपुर अंचल का यह बहुत ही महत्वपूर्ण नाट्य रूप है, और इसमें वहां के सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है वह यहां पर प्रतिबिंबित होता है, वह उसका जीवंत दस्तावेज है। दूसरा जो आता है यह है विदापद नाच या कीर्तनिया। जो दूसरा लोकनाट्य है वह है विदापद नाच या कीर्तनिया,
जगदीश चंद्र माथुर जो बहुत प्रसिद्ध नाटककार रंगकर्मी हैं, इन्होंने विद्यापद नाच को उत्तर बिहार की अल्प परिचित प्रदर्शन विधा से अभिहित किया है। इसको क्या नाम दिया है कि उत्तर बिहार में बहुत कम जाना पहचाना, जिसको लोग बहुत कम जानते पहचानते हैं, ऐसी प्रदर्शन विधा है। अब बिहार का जो पूर्णिया जिला का आपने नाम सुना होगा, मैला अंचल में, परिसरनाथ रेंडू के मैला अंचल में, बिहार के पूर्णिया जिले में विद्यापद नाच नाम से एक आंचलिक नाटक की परंपरा है। इसमें मध्ययुगीन मिथिला के कीर्तनिया नाटक तथा असम के अंकिया नाट दोनों की झलक दिखाई पड़ती है। तो यह विद्यापद नाच है, यह दो प्रकार के नाटकों का, लोक नाट्यों का मिला जुला रूप है। पहला तो है कीर्तनिया नाटक जो मिथिलांचल का है, और दूसरा है असम का अंकिया नाटक। इन दोनों की झलक इसमें दिखाई देती है। इसकी मंडलियों में इसके जो कलाकार होते हैं वे कैसे होते हैं, वे प्रायः किसान और मजदूर होते हैं, अधिकतर जो समाज के निम्न वर्ग से अथवा निम्न मध्यम वर्ग से आय वर्ग से संपन्न रखते हैं। तो प्रायः ऐसे जो जिनका जीविकोपार्जन बहुत कठिन होता है, मजदूर श्रमिक वर्ग के होते हैं, किसान होते हैं, जिनके पास आय का साधन बहुत कम होता है, ऐसे लोग इसके क्या होते हैं, कलाकार होते हैं। मंच और अभिनय परंपरा में असमिया अंकिया नाट का प्रभाव अधिक स्पष्ट है। इस पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका है, असम के अंकिया नाट का। जिस स्थान पर पात्र अपनी सज्जा करते हैं उसे यहाँ साज घर कहा जाता है, जो ग्रीन रूम होता है, जहां पर वे सजते धजते हैं, ग्रीन रूम, उसे साज घर कहा जाता है। इसकी तुलना असमिया नाटक के छग्घर या छद्मगृह से की जा सकती है। असमिया नाटक में इसको कहते हैं छद्मगृह, ये छग्घर, और यहां पर कहा जाता है विद्यापद नाच में इसे कहा जाता है साज घर। इसमें भी मंच का विधान मुक्ताकाशी होता है, ओपन थिएटर होता है, कोई बंद कमरे में नहीं होता, ओपन होता है बिल्कुल, सिर्फ एक छोटा सा स्टेज होता है। अन्य लोक नाटकों की तरह भी इस नाट्य रूप की शक्ति इसका संगीत पक्ष भी है। जितने भी लोक नाट्य आपने देखा होगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, संगीत और नृत्य होता है। तो इसमें भी संगीत पक्ष प्रमुख है। जो सबसे प्रमुख गायक होता है वह क्या कहलाता है, मूल गायन कहलाता है, और उसके साथियों को कहा जाता है समाजी, है ना। जो मुख्य गायक होता है, जो सबसे प्रधान गायक होता है, उसे मूल गायन कहते हैं, और उसके साथी जो होते हैं उसका कहा जाता है समाजी कहा जाता है। मूल गायन असम नाट्य अंकिया के मूल गायक को भी कहते हैं। जो असम का जो लोकनाट्य है अंकिया, असम का जो नाट्य लोकनाट्य है अंकिया, उसके मूल गायक को भी क्या कहा जाता है, मूल गायन कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है आपको। तो उधर समाजी विदेशिया में भी उपस्थित होते हैं, और जो समाजी होते हैं, जो उसके साथ के जो कलाकार होते हैं, साथी कलाकार या फिर गायक होते हैं, तो इन्हें जैसे कोरस आप कह सकते हैं, तो यह समाजी विदेशिया में भी पाए जाते हैं। गीतात्मक अभिव्यक्तियों से पात्रों का परिचय करवाना और बिट्टा विदूषक इसके कुछ अन्य विशेषताएं। तो इसके कुछ अन्य विशेषताएं कौन कौन से होते हैं, कि इसमें विदूषक होता है जिसे बिकटा कहा जाता है, कॉमेडियन, और गाना गा के या पात्रों का परिचय कराया जाता है, उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता है। विद्यापद मूलतः विद्यापति का अपभ्रंश रूप है। विद्यापद शब्द कहां से आया है, विद्यापद शब्द आया है विद्यापति से, यह अपभ्रंश का शब्द रूप है। विद्यापति के गीत प्रत्येक नाटक और प्रस्तुति का भगवती वंदना से शुरू होना का नाटकीय प्रयोग इस शीर्षक से पीछे रहा होगा। जैसे विद्यापति के गीतों का इसमें प्रयोग किया जाता है, जैसे विद्यापति की आप रचनाओं को देखेंगे तो उसकी उनकी जो गीत है, विद्यापति के द्वारा रचित जो गीत है, तो उसी प्रकार प्रत्येक नाटक और प्रस्तुति की जो शुरुआत होती है विद्यापति के गीतों से या फिर भगवती वंदना से शुरू होता है। तो इसी के कारण इसको हो सकता है कि विद्यापद कहा गया। विद्यापद नाच की शुरुआत भगवती वंदना से या विघ्न विनाशक गणपति की वंदना से होता है। तो शुरुआत कैसे होता है, भगवती वंदना, माँ दुर्गा की वंदना से या फिर भगवान गणेश की वंदना से यह शुरू होता है। इसके कथा वस्तु का आधार लोक प्रचलित धार्मिक आख्यान ही है, धार्मिक कथा कहानियां ही इसका क्या है, आधार है, इसका कंटेंट का बेस है। उमापति उपाध्याय रचित पारिजात हरण नाटक इसका प्रतिनिधि नाटक है। तो जो विद्यापद नाच है, इसका जो प्रतिनिधि नाटक है, सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है वह कौन सा है, पारिजात हरण नाटक, और इसके रचयिता है उमापति उपाध्याय। इसके बाद है डोमकच या स्त्री लोकनाट्य। डोमकच का मतलब स्त्रियों का लोकनाट्य है, बिहार प्रदेश की, यह तीसरा है ना, बिहार प्रदेश की यह नाट्य शैली स्त्रियों के लोकनाट्य के नाम से भी जानी जाती है। मूलतः यह स्त्रियों का लोकनाट्य है, इसे घर की बंद कोठरियों का रंगमंच भी कहते हैं। इसमें कथा वस्तु का कोई लिखित या प्रख्यात प्रमाण नहीं होता, न ही अभिनय रंग रूढ़ियों का कोई लिखित व्याकरण, इसका आधार केवल कल्पित बातें होती है। तो पूरी तरह से यह काल्पनिक है, और घर के बंद कोठरियों में यह खेला जाता है, और इसमें क्या है, कोई कथा वस्तु कोई निश्चित पर्टिकुलर नहीं होता कि किसी ने उनको लिखकर दे दिया है, तो अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन वह है बहुत फेमस।
मंच की भी कोई जरूरत नहीं होती। मंच के लिए डोमकच में कोई तामझाम नहीं होता, कोई सजावट की जरूरत नहीं है। घरों में खुले बड़े आंगन अथवा खुले छत ही मुख्यतः मंच के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। जो घर की जो छत है बहुत बड़ी, यदि छत है तो, या फिर घर के बीच में जो बहुत बड़ा आंगन हुआ करता था पहले, उसे ही मंच के तौर पर प्रयुक्त करते हैं। गांव में जिस घर से बारात दूसरे गांव की होती है उसी घर की औरतें यह खेलती हैं। तो गांव में कुछ गांव में आज भी यह प्रथा है कि जब घर के किसी बेटे या किसी की शादी होती है, पूरा बारात गया, पूरे परिवार वहां पर बाहर गया हुआ है, तो घर की जो महिलाएं होती हैं वे आपस में मनोरंजन करने के लिए क्या करती हैं, आपस में इस टाइप का कार्यक्रम करती हैं, डांस का और यह सब का नाटक का। इसे ही कहा जाता है डोमकट स्त्री लोकनाट। इसको दो उद्देश्य होता है, एक तो उनके मन में जो दमित इच्छाएं हैं, कोई अच्छा डांसर है, क्योंकि लड़कियां शादियों के दूसरे घर में चली जाती हैं, तो हो सकता है यहां अपने घर में अच्छी डांसर हो लेकिन वहां उसे कोई स्कोप, कोई अवकाश नहीं मिलता, कोई जगह नहीं मिलती कि वह अपना डांस परफॉर्मेंस करे। तो वहां पर क्या है, उस दिन उसको पूरी तरह से छूट दी जाती है और उनके अंदर में जो भी हिडन टैलेंट होता है, ये जिस प्रकार का भी टैलेंट होता है, तो उसको यहां पर उनको क्या है, एक मंच मिलता है घर में और यहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदी नहीं होती। तो आराम से वे नाटक भी खेलते हैं और वे फिर डांस और ये सब गाना भी गाते हैं, डांस भी करते हैं। तो प्रायः उस घर में होता है जहां के सारे मेल जो मेंबर हैं, पुरुष सदस्य हैं, वे चले गए हैं बारात के साथ। वर की मां और उसकी बुआ अथवा चाची अलग अलग दौरा टोकरा डाला में बैठ जाती है। जैसे छठ पूजा में भी दौरा का बहुत महत्व है, तो उसमें अलग अलग डाला में लोग बैठ जाते हैं, उसकी चाची या बुआ फिर माँ। घर की माँ के पैर का अंगूठा दौरे के बाहर एक सिंदूर भरे प्याले में रखा जाता है। सिंदूर भरा एक पात्र होता है, उसमें माँ अपना पैर रखे रहती है। इस सिंदूर को लाग का सिंदूर कहते हैं। देखिए, जो उस अंचल के होंगे भोजपुरी या बिहार वगैरह के, तो इसको ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाएंगे, समझ पाएंगे। इसे लाग का सिंदूर कहा जाता है। इस समय वर की माँ को बड़ा संयत रहना पड़ता है, क्योंकि ऐसी मान्यता तथा विश्वास है कि जिस प्रकार की हरकतें वह करेगी वैसी ही हरकत करने वाली बहू से प्राप्त होगी। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता है कि माँ यदि शालीन और सभ्यता के साथ वहां पर नहीं बैठी है, यदि वह मस्ती कर रही है या फिर शालीनता से नहीं बैठी हुई, तो उसी तरह की बहू उसको मिलेगी जैसे जैसी हरकतें वो करेगी। इसी विश्वास के कारण अन्य औरतें उसे हिदायत भी देती हैं। दूसरी महिलाएं उसको बोलती हैं कि आप ठीक से बैठिए। दतवा मति विदोरी, दंद विदोरनी आई तो है, मतलब दांत मत विदोरना, हंसना मत, वरना सदा दांत विदोरने वाली बात बात पर हंसने वाली आ जाएगी। तो लोग एक्चुअल में उसकी माँ को छेड़ते हैं, जो लड़के की माँ उसको छेड़ते हैं कि आप ऐसे ऐसे हरकतें मत करो, नहीं तो वैसी हरकतें करने वाली बहू आ जाएगी, मतलब आपको परेशान करेगी, इसे हंसो मत। क्योंकि माहौल ही ऐसा रहता है कि स्वाभाविक रूप से लोग हंसेंगे। अलग अलग प्रकार की लोग भूमिकाएं कर रहे हैं, सारी महिलाएं, कुछ लोग पुरुष भी बने हुए हैं, तो हंसी आना स्वाभाविक है। अब दूसरा है जट जटिन। यह मिथिला अंचल का लोक कला एवं लोक नृत्य है। इसमें दो नाचने वालों की टोली होती है जो नाच गान करके, नोक झोंक करके, मान मनोवल करके सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। तो यह भी मिथिला अंचल के लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। इसमें भी डांस होता है, दो ग्रुप रहते हैं और दोनों आपस में जो दोनों टीमें रहती हैं, जैसे कवाली में होता है, दोनों टीमें आपस में नोकझोंक करती हैं और मनाते हैं एक दूसरे को और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं। जट जटिन। इस लोक नाट्य रूप की विशेषता भी इसका स्त्रियों द्वारा खेला जाना ही है। इसके पात्रों की भूमिका, गीत, नृत्य सभी कुछ स्त्रियों द्वारा संचालित होता है। यह भी महिलाओं के द्वारा संचालित किया जाने वाला लोक नाट्य है। इसका दर्शक वर्ग भी स्त्रियां ही होती है। इस लिहाज से यह संपूर्ण रूप से पुरुषों को अनुमति नहीं देने वाले नाटक के रूप में दिखता है। तो इस प्रकार आप जो नट नट जो आप देख रहे हैं जट जटिन, यह भी पूरी तरह से स्त्रियों का लोकनाट्य है, जिसमें पुरुषों को देखने की या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं होती है। इसके उत्पत्ति का संदर्भ स्पष्ट नहीं है कि कब यह शुरू हुआ, परंतु इसके बारे में भी यह अनुमान है कि जब गांव से बारात के साथ जब सभी पुरुष चले जाते थे, तो रथ जगह कर गांव और घर संपत्ति के पहरेदारी के लिए मनोरंजन के बहाने स्त्रियों का यह नाट्य पैदा हुआ। तो यह भी उसी प्रकार का नाट्य लोकनाट्य है जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसमें भी जब सर के घर के सारे मेल मेंबर्स, सारे पुरुष जब बारात के साथ बाहर चले जाते हैं, तो घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पर होती थी, स्त्रियों की, और मनोरंजन भी करते थे आपस में, तो इसलिए वे रात भर जागकर इनका दोनों काम हो जाता था और यहां पर कोई पाबंदी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता था, तो जो उनका हिडन टैलेंट था उसको भी दिखाने का मौका मिल जाता था उनको। तो इसकी शुरुआत हुई। इसे लोकगीत और आंतरिक नाट्य के बीच की अवस्था का नमूना भी माना जाता है। इसमें स्त्रियां ही जाट, पुरुष और जटिन की भूमिका करती हैं। साथ ही इसमें सास, ननद, नंदोई, ससुर, बालक आदि सभी नाते भी दिखाए जाते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें जो महिलाएं हैं वे भी पुरुषों की भूमिका का निर्वहन करती हैं। वे भी पुरुषों की भांति कपड़ा पहनती हैं। कोई ससुर बनेगा, कोई दामाद बन जाएगा, कोई बच्चा बन जाएगा, कोई देवर बन जाएगा, और महिलाएं ऐसा कपड़ा पहनकर पुरुषों की भूमिका का निर्वहन करती हैं।
तो ये भी मजेदार रहता होगा। और जो लड़कियां जिन्होंने देखा होगा भी है कि लड़कियों को ही देखने का मौका मिलता है तो इससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगी खुद को। यह सदियों से दमित स्त्री मन की दमित इच्छाओं की मुक्ति का रचनात्मक प्रयास है। इसमें दाम्पत्य जीवन का वह मार्मिक पक्ष उभरता है जो न पौराणिक कथाओं में और न परंपरागत पेमा खानों में। अब आप देख सकते हैं कि स्त्रियों के मन में भी जो दमित इच्छाएं हैं, थोड़ी बहुत यहां पर अश्लीलता भी अलाउड रहता होगा इसमें मुझे लगता है, क्योंकि स्त्री मन की दमित इच्छाएं, दमित जो इच्छाएं जो वे नहीं कर पाई हैं, जो नहीं कह पाई, कुछ बातें जो अनकही रह गई, या फिर उनमें जो टैलेंट है, जो कुछ करना चाहते, जैसे होली के समय में होता है, लोगों के मन में जो दमित इच्छाएं हैं किसी न किसी प्रकार से बाहर आ जाती है, उनके अंदर का जो बच्चा है या फिर जो भी है, तो वैसे ही स्त्रियों के मन में जो दमित इच्छाएं हैं, दमित इच्छाओं से मुक्ति का यह माध्यम है जो हमारे अवचेतन में विद्यमान होती है। और दाम्पत्य जीवन का इसमें मार्मिक पक्ष भी उभर कर आता है जो कहीं पर वर्णित नहीं है, ना पौराणिक कथाओं में, ना परंपरागत प्रेमाखर में। जैसे कोई पत्नी अपने पति को कुछ कहना चाहती है जो नहीं कह सकी, तो यहां पर वह उसको एक मौका मिलता है कि वह किसी को जो पुरुष बना हुआ पात्र है उसके साथ वो अपनी हंसी ठिठोली मजाक कर सके, कुछ कर सके। इसके प्रस्तावना गीतों में सावन में भाइयों को नैहर माई का पिहर ले जाने के लिए बुलाने का मार्मिक गीतात्मक संवाद भी होता है। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी जो सॉन्ग होता है, प्रस्तावना गीत होता है, उसमें जो लड़कियां होती है वे अपने भाई से रिक्वेस्ट करती है कि भैया जल्दी आ जाओ और मुझे अपने घर ले जाओ, मेरे मुझे मायका ले जाओ सावन में। तो यह बहुत ही मार्मिक गीतात्मक संवाद होता है। मंगनी प्रसंग और विवाह प्रसंग आदि प्रमुख कथाएं हैं जो इसके प्लाट का आधार है। मंगनी प्रसंग मतलब जो वो होता है एंगेजमेंट जो होता है या फिर विवाह का जो प्रसंग होता है, यह प्रमुख कथाएं इसकी होती है, इसके प्लाट का आधार है। वास्तव में कोई महिला चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो जाए लेकिन मायके के प्रति जो उसका प्यार और स्नेह और जो लगाव होता है वह कभी खत्म नहीं होता। चाहे कितनी भी बूढ़ी महिला है, जब आप उसके मायके के बारे में बात करेंगे तो उसके चेहरे में एक चमक आ जाती है। बूढ़ी झुर्रियों में भी आपको एक सौंदर्य बोध, आपको सौंदर्य दिखाई देगा, एक चमक दिखाई देगी जब भी आप उसके मायके के बारे में या मायके से रिलेटेड कुछ बात करेंगे, या फिर मायके से कोई उसके घर में आ जाता है तो कितना खुश होती है, या सिर्फ शादीशुदा महिलाएं ही उसको महसूस कर सकती हैं। इसके बाद जो रामलीला है, रामलीला की परंपरा के मूल में भक्ति आंदोलन की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, इसमें कोई शक नहीं। यद्यपि इस नाट्य रूप के संकेत हमें मध्यकाल से मिलते हैं, तो यह रामलीला है, इस पर भी क्या है भक्ति काल जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है इसका प्रभाव इस पर दिखाई देता है। तो रामलीला मुख्य रूप से रामकथा पर आधारित है। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और बुराइयों का प्रतीक रावण की यह नाट्य कथा दशहरे के अवसर पर खेली जाती है और विजयादशमी को बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत के रूप में देखा जाता है। तो यह रामलीला तो प्राय भारत के सभी क्षेत्रों में यह प्रचलित है और हम दशहरा से कुछ दिन पहले यह शुरू होता है, दशहरे के दिन यह समाप्त हो जाता है और विजयादशमी के दिन में, विजयादशमी के दिन यह प्राय समाप्त होता है। भारत के किसी भी लोकनाट्य से परे इसकी प्रसिद्धि जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मॉरिशस, फिजी, इंडोनेशिया आदि तक है। यह केवल भारत में नहीं बल्कि उन सभी देशों में जहां पर हिंदी भाषी लोग पाए जाते हैं, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, मॉरिशस, फिजी, इंडोनेशिया आदि में भी यह अत्यंत प्रसिद्ध है। यह पूरे भारत को एक डोर में पिरोने वाली बहुस्तरीय नाट्य विधा है और इसका आयोजन एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर होता है। तो यह केवल एक लोक नाट्य नहीं है बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान माना जाता है और यह पूरे भारत को एक सूत्र में जोड़ने वाली एक कड़ी है। रामलीला का मंच आयताकार होता है, संगीत मंडली एक कोने में साजो सामान के साथ बैठती है और एक रामायण पाठी किसी न किसी रूप में लगभग सभी रामलीलाओं में होता है। तो एक आयताकार मंच होता है और इसमें भी संगीत मंडली वहां पर बैठी रहती है क्योंकि यहां पर नृत्य, संगीत और गीत का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें, और एक रामायण पाठी होता है जो रामायण का पाठ करता है। इसके बाद अभिनेता पद्यात्मक संवाद बोलते हैं, मतलब इसमें जो गाना गाकर ही अपना संवाद बोलते हैं। इस नाट्य रूप में मंचित दृश्यों व चरित्रों के साथ प्रेक्षकीय अर्थात दर्शकों की भागीदारी इतनी तीव्र होती है कि वनवास प्रसंग, भरत मिलाप, लक्ष्मण मूर्छा आदि जैसे दृश्यों पर वह स्वयं भाव विभल हो जाते हैं। तो यह बहुत ही मार्मिक होता है और रामचरितमानस के जो मार्मिक प्रसंग है, जैसे वनवास प्रसंग जब भगवान वन चले जाते हैं और राम भरत का मिलाप जो होता है चित्रकूट में, और लक्ष्मण जी जब युद्ध के दौरान मूर्छित हो जाते हैं, तो यह राम कथा के जो मार्मिक प्रसंग है इनके साथ जनता इतना जुड़ जाती है पात्रों के साथ कि वह भी आंसू बहाने लगती है और उनमें क्या है जो पात्र हैं वो जो भावनाएं दिखाते हैं उनसे जनता का साधारणीकरण हो जाता है, दर्शकों का साधारणीकरण हो जाता है और वे सभी भाव विवल हो जाते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। अर्थात रामलीला का दर्शक प्रदर्शन निरपेक्ष नहीं रहता, ये जन भागीदारी का मंच है।
तो रामलीला का जो दर्शक होता है वो वास्तव में कैसा दर्शक होता है, निरपेक्ष नहीं होता कि मुझे क्या मतलब है चलने तो एंटरटेनमेंट नहीं करता, बल्कि वह भावनात्मक रूप से पूरी तरह से पात्रों के साथ और रामकथा के साथ जुड़ जाता है। तो इसमें जो संप्रेषण होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वह बहुत ही प्रभावी होता है। भले ही अभिनेता बेशक कमतर हो, मतलब भले ही कोई अभिनेता उतना टैलेंटेड या जीनियस ना हो, लेकिन इसका इमोशनल होने का कारण क्या है, सर्वहारा जनता का अपने इस लोकनायक में आस्था और विश्वास का होना ही हो सकता है। भगवान राम के प्रति लोगों के मन में जो आस्था है, जो विश्वास है, जो जननायक है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके प्रति जनता का जो प्रेम है, इसी कारण वे क्या है उससे बहुत ही इमोशनली जुड़ जाते हैं। भले ही पात्र राम, भगवान राम का जो या फिर अन्य जो कैरेक्टर है, आप बहुत अच्छा अपने किरदार को भले ही नहीं निभा पा रहे हो, लेकिन वे इमोशनली उससे जुड़ जाते हैं। इसके बाद रासलीला है। निश्चित रूप से यह जो पूरे भारत, जो हिंदी भाषी राज्यों में जो लोकनाट्य की जो समृद्ध परंपरा है, निश्चित रूप से आज इस लेक्चर का आप आनंद उठा रहे होंगे। और यदि यहां तक आप देख रहे हैं, मतलब आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रासलीला क्या होता है? रासलीला रामलीला की तरह रासलीला भी धार्मिक लोकनाट्य रूप है। रामलीला भी धार्मिक लोकनाट्य रूप है और रासलीला भी धार्मिक लोकनाट्य रूप है। इसका संबंध भी विष्णु भगवान के ही अवतार श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं से। भगवान राम भी विष्णु के अवतार हैं और कृष्ण भी विष्णु के अवतार हैं, तो इसका संबंध उन्हीं की लीलाओं से है। राधा और कृष्ण का प्रसंग समस्त पौराणिक कथाओं से अधिक रोचक होते हैं। तो राधा कृष्ण के बारे में जब हम चर्चा करते हैं और राधा कृष्ण से जुड़े हुए जो प्रसंग है, वे नाटकों के लिए बहुत ही मुख्य विषय वस्तु का काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही रोचक होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं। तो गुजरात में स्त्रियां गरबा नाच राधा कृष्ण के लिए नाचती हैं। भले ही जो गरबा नृत्य है वास्तव में वहां दुर्गा पूजा के समय गरबा नाच होता है, दुर्गा देवी की स्तुति के रूप में उनको प्रसन्न करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मुख्य जो भाव होता है वह क्या है, राधा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भी नाचती हैं। दक्षिण में कथकली के नर्तक, मणिपुर में रास रचाने वाले और उत्तर प्रदेश में कृष्ण लीला करने वाले सभी कृष्ण भक्त हैं। तो यह अलग अलग राज्यों के जो लोकनाट्य हैं वे भी कृष्ण लीला हैं, यह सभी कृष्ण भक्त हैं। उत्तर प्रदेश में हाथरस की कृष्ण लीला सारे देश में प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में जो कृष्ण लीला होती है, रासलीला होती है, वह पूरे देश में प्रसिद्ध है। अब यहां पर एक बात है, भारतीय जनमानस में राम का चरित्र लोक रक्षक का है, मतलब लोगों की रक्षा करना। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो इनका जो चरित्र कैसा है, लोक रक्षक, लोगों को, लोगों की रक्षा करना और राम राज्य की स्थापना करना। जबकि कृष्ण लोक रंजक छवि के हैं। जबकि भगवान कृष्ण क्या है, लोगों की रक्षा तो करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो छवि वो कैसी है, लोक रंजक की, लोगों को मनोरंजन करना, लोगों को प्रसन्न करना, लोगों की जिंदगी में खुशियां लाना, इस टाइप की इनकी छवि है। मतलब रोमांटिक टाइप की कुछ छवि है इनकी। वैसे रास के प्रथम महत्वपूर्ण आयोजन का श्रेय वल्लभ संप्रदाय के आचार्य वल्लभाचार्य को दिया जाता है। तो सबसे पहले रासलीला का आयोजन किसने किया, जो वल्लभाचार्य, जो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं, वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, आचार्य वल्लभाचार्य को दिया जाता है। रास का संबंध नृत्य से जुड़ता है, इसलिए रासलीला का प्रारंभ नृत्य रास से होता है, यदि भी रास पर विद्वानों में पर्याप्त मत विभिन्न है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं कि यह रास क्या है, लेकिन यहां पर रास का संबंध नृत्य से है, इसलिए रासलीला का प्रारंभ भी नृत्य से होता है। इसमें भी ऐसे ही होता है, इसमें भी मंच के एक तरफ गायन वादन मंडली का स्थान होता है। लीला शुरू होने से पहले मंडली का प्रमुख गायक आकर श्री कृष्ण और राधा का स्तुति गान करता है। तो प्रमुख गायक आता है और अपना स्तुति करता है राधा कृष्ण का, और इस पूरी प्रक्रिया में उसके समूह के साथी सुर मिलाते हैं, वे कोरस का काम करते हैं, जितने भी कोरस वाले होते हैं वे कोरस गाते हैं, सुर मिलाते हैं। रासलीलाओं का आयोजन अधिकांशतः देवी स्थानों या उनके खुले स्थानों पर किया जाता है, मतलब जहां पर मंदिर वगैरह है, यहां पर व्यवस्था है देवी स्थान, वहां पर या फिर खुले में किया जाता है। इसका मंच ऊंचे लकड़ी के तख्तों को बांधकर तैयार किया जाता है, पार्श्व में एक पर्दा टांग दिया जाता है और पर्दे के पीछे से ही पात्रों का आगमन होता है। सिर्फ एक पर्दा लगे रहता है पीछे में, और पर्दे के पीछे सारे पात्र होते हैं, उनका ग्रीन रूम होता है, वहां से वे आते हैं। आपने यह बात गौर की होगी कि यह सभी ओपन थिएटर में होता है, कोई भवन के अंदर नहीं होता बल्कि ओपन में होता है, इसे मुक्ताकाश कहते हैं, ओपन थिएटर। मुक्ताकाशी मंच के बीच बीच एक छोटा मंच राधा और कृष्ण के लिए तैयार किया जाता है, जहां आकर बैठते हैं। तो वहीं पर एक छोटा सा मंच उनके लिए भी बनाया जाता है बीच में, जहां पर राधा कृष्ण आकर बैठते हैं। तो यह रासलीला देखने में भी बहुत मजा आता है, कृष्ण लीला देखने में। अगर आप में से किसी ने देखा होगा इनमें से कोई, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। रासलीला में कृष्ण और राधा बने अभिनेता सखियों और गोपियों के पूजन आरती गायन के बाद गोपी के यह कहने पर कि रास के समय हवे गयो, अब आप पधारो, तब ये दोनों उठते हैं और रास शुरू होता है। रासलीला का विदूषक मनसुखा होता है। तो इसके बाद राधा कृष्ण वहां पर बैठे रहते हैं, आरती वारती हो जाती है,
और इसके बाद एक गोपी यह कहती है कि भाई चलिए। और इसमें जो राधा का पात्र है प्रायः पुरुष ही निभाते हैं, लेकिन अब थोड़ी परिस्थितियां बदल रही तो लड़कियां भी निभा रही होंगी। तो वास्तव में जो राधा कृष्ण है, पहले क्या होता था, राधा कृष्ण दोनों की भूमिका ना पुरुष ही निभाते थे, और रासलीला का जो कॉमेडियन होता है इसे कहा जाता है मनसुखा। रासलीला का जो कॉमेडियन या विदूषक होता है इसे कहा जाता है मनसुखा। इसके बाद नौटंकी, नौटंकी अगला लोकनाट्य है। अन्य लोक नाटकों की तरह नौटंकी के शुरुआत और नामकरण के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। इसके संबंध सिद्ध करने वाले इसे महाकवि कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम के स्वांग नाट्य से जोड़ते हैं। मतलब इसका कब प्रचलन कब शुरू हुआ, इसका नाम नौटंकी क्यों है, इसके विभिन्न मत हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास का एक नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, इसका स्वांग नाट्य से इसका संबंध जोड़ते हैं। तो कुछ लोग इसे सिद्ध कन्हप्पा, कन्हप्पा नाम के जो सिद्ध हुए हैं 84 सिद्धों में से, उनके डोमिनी के साथ जोड़कर देखते हैं। जयशंकर प्रसाद इसका संबंध नाटकी से जोड़ते हैं। तो ब्रज भूमि में इसे नखरीली युति से जोड़ा जाता है। तो अलग अलग क्षेत्रों में यह माना जाता है, अलग अलग क्षेत्र में इसे अलग अलग चीजों से जोड़कर देखा जाता है। लोक नाट्यों के बारे में जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, ये एक विद्वान है शिव कुमार मधुर, इनका मानना है इसे 150 वर्षों का बताते हैं कि यह 150 वर्ष पुराना है। इस जनप्रिय नाटक के बारे में उनका कहना है कि जहां ब्रिज क्षेत्र में, ब्रिज क्षेत्र में क्या होता है स्वांग, ब्रिज क्षेत्र का लोक नाट्य है स्वांग और भगत, इन लोकमंच लीला नाटकों से प्रभावित होकर भक्तिभाव से ओतप्रोत रहा, यह वहीं से आया है, मतलब स्वांग और भगत से। वहां पंजाब और हरियाणा में वाजिद अली शाह के रहस्य, इसका भी इस पर प्रभाव देखा जाता है, और अमानत लखनवी की इंदर सभा के रंग वाली उर्दू काव्य शैली और तुर्रा कलगी की गायन शैली में नौटंकी श्रृंगार परक नाट्य प्रस्तुति के रूप में सामने आए। श्रृंगार और मनोरंजन प्रधान लोकमंच की प्रकृति के अनुरूप शहजादी नौटंकी, फूल सिंह की पढ़ाई कथा इतनी सार्थक सिद्ध हुई कि वह नाट्य प्रस्तुति उत्तर भारत की इस लोक नाट्य शैली का पर्याय हो गया। तो इसका जो सबसे प्रमुख रूप कौन सा है नौटंकी का, शहजादी नौटंकी और फूल सिंह की पढ़ाई कथा, ये दोनों महत्वपूर्ण है, और इन पर किसका किसका प्रभाव यहां ऊपर मैंने बता दिया। तो यह विभिन्न प्रकार का, इस पर विभिन्न चीजों का प्रभाव पड़ा। बहरहाल इसके इतिहास को लेकर चाहे बहसें जो भी हो, पर नौटंकी अकेली ऐसी विधा है जिसकी लोकप्रियता का अंदाजा मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके प्रभाव क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तक आते हैं। तो नौटंकी अत्यंत प्रचलित लोकनाट्य है और यह विभिन्न राज्यों में बहुत ज्यादा प्रचलित है, प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है माच या ख्याल। मालवा क्षेत्र का लोकनाट्य माच अधिकांश लोक नाटकों की तरह यह गीति नाट्य है, जहां गाना गाकर यहां पर नाटक किया जाता है अधिकांश उसके तरह। यह मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में प्रचलित है। इसके प्रभाव क्षेत्र के बारे में कहा जाता है कि यह कहां तक फैला हुआ है, इसका परिदृश्य, इत चिंबल उत्बेतवा मालवी सीम सुजान, दक्षिण दिशी है नर्मदा या पूरी पहचान। मतलब पूरे मालवा क्षेत्र की पहचान क्या है, माच है। माच का इतिहास भी अधिक पुराना नहीं है। माच के अध्येता इसका इतिहास महज 250 वर्षों का बताते हैं। तो माच के बारे में जो इन्होंने गहन स्टडी की है, डीप स्टडी की है, गहन अध्ययन किया है, उनका मानना है कि यह 250 साल पुराना है। और इसके आदि गुरु कौन है, सबसे प्रमुख गुरु कौन है, शुरुआत करने वाले श्री बाल मुकुंद गुरु को माच का आदि गुरु ठहराते हैं। माच गुरु स्वयं माच के खेलों की रचना और अभिनय किया करते थे। तो माच के जो गुरु हुआ करते थे, गुरु शिष्य परंपरा रही होगी, तो यह स्वयं ही इसकी रचना करते थे और इसका अभिनय करते थे। इस नाट्य को कहीं कहीं तुर्रा किलंगी ख्याल, ख्यालों का एक विशेष कैटेगरी है, तुर्रा किलंगी ख्यालों की विशिष्ट शैली भी कहा जाता है। इस ख्याल का क्षेत्र चित्तौड़, झालावाड़ और मध्य भारत है। तो यह सब राजस्थान के कुछ हिस्से हैं और मध्य भारत में यह खेला जाता है। डॉक्टर महेंद्र भानावत नाम के जो विद्वान है, इनका कहना है कि माच को राजस्थान और मालवा दोनों जगह का है। इनका कहना है कि दोनों जगह का है और ये तर्क देते हैं, राजस्थान और मालवा की लोक संस्कृति में बहुत कुछ साम्य है, बहुत कुछ समानता है। राजस्थान के इन ख्यालों के पीछे यहां के कठपुतली ख्यालों की अति पुरानी पारंपरिक पीठिका रही होगी। मालवा का माच इन्हीं ख्यालों से प्रभावित है। तो ख्याल, गायन, माच, ये सब है। तो यहां पर राजस्थान में क्या होता था, यहां पर एक कठपुतली ख्याल होता था, कठपुतली का डांस दिखाया जाता था और यह उसी से प्रभावित है। मालवा का माच है इसी कठपुतली ख्याल से प्रभावित है, ऐसा उनका मानना है। डॉक्टर भानावत के ऐसा कहने के पीछे दोनों प्रांतों की प्रस्तुतियों में समानता है। मतलब दोनों की जो प्रस्तुति है, मालवा में जो होता है, मालवा में जो माचिया ख्याल है और या फिर राजस्थान में जो माचिया ख्याल है, तो ये दोनों लगभग सेम है, क्योंकि इनकी प्रस्तुतियों में समानता है, लगभग एक जैसी है। राजस्थान के जो कठपुतली ख्याल है, वहां पर कौन होता है, एक तिस्मार का होता है विदूषक, विदूषक का नाम होता है वहां पर तिस्मार का, राजस्थान के कठपुतली डांस में, कठपुतली ख्याल में।
और मार्च में क्या होता है विदूषक मतलब कॉमेडियन, शेयर मार खा होता है, वहां 30 मार खा होता है, यहां शेयर मार खा होता है। और मार्च प्रदर्शन के पूर्व एक खंभा स्थापित किया जाता है, वह तुरड़ा कलगी ख्यालों की ही देन कही जा सकती है। इसके पहले एक खंभा स्थापित करते हैं, उसके इर्द गिर्द लोग डांस करते हैं, नाच करते हैं, तो इसे कहा जा सकता है तुर्रा कलगी ख्यालों की देन कही जा सकती है। इसके प्रदर्शन में अब आधुनिक तकनीकों का प्रयोग इस लोकनाट्य शैली में भी देखने में आने लगी है। मार्च के सभी कलाकारों का स्थान मंच होता है और ढोलक इस नाट्य का मुख्य वाद्य यंत्र है। तो जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, तकनीकी में टेक्निक में नहीं आधुनिक चीजों का प्रयोग होने लगा है। इस लोकनाट्य शैली में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग होता है, लाइट का और साउंड सिस्टम इत्यादि का। और मंच के जो कलाकार होते हैं वे भी मार्च के जो कलाकार होते हैं वे भी मुख्य रूप से मंच पर ही अपना मंचन करते हैं। और जो ढोलक होता है वह इस लोकनाट्य का प्रमुख वाद्यंत्र होता है ढोलक। मार्च के कलाकारों का अभिनय ढोलक की थाप और गत पर निर्भर करता है। मार्च का कथानक गीति कथनों और संवादों के माध्यम से आगे बढ़ता है। जैसे जैसे ढोलक की थाप पड़ती है वैसे वैसे नाचते गाते हुए मंच पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं और गीति कथनों मतलब गाना गाकर अपना स्टेटमेंट बोलते हैं, अपना संवाद बोलते हैं गाना गाते हुए, और इसके माध्यम से कोई कहानी आगे बढ़ती है। मार्च के कथानकों का दायरा भी धार्मिक, इसके कथानक का विषय वस्तु क्या होता है, इसका कंटेंट की या विषय वस्तु कौन कौन सी होती है, धार्मिक, वीरतापरक, सामाजिक कथाओं के आसपास इसका कथानक घूमता है। जैसे कि मुख्य कथाएं कौन सी आती है इसमें, राजा भर्तृहरि की कहानी, नरसिंह मेहता की कहानी, राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती, ढोला मारू है ना, ढोल मारूनी या ढोला मारू, मैना सुंदरी, निहाल दे सुल्तान इत्यादि प्रमुख हैं जिनके आधार पर इसकी रचना की जाती है मार्च किया ख्याल की। अब नाचा जो है, नाचा या जिसे गम्मत भी कहते हैं, नाचा गम्मत या छत्तीसगढ़ के इस लोक नाट्य के बारे में कहा गया है कि इसके नाट्य सौंदर्य में धान की लहलाती फसल का हरापन, मेहनत का किसान और मजदूर का सच्चा खरापन, श्रम से उपजे संगीत की लहरियों में गाता नाचता झूमता उत्सवी मन उल्लास समाहित है। तो इस प्रकार नाचा में पूरे छत्तीसगढ़ की संस्कृति जीवंत हो जाती है, पूरी मुखर हो जाती है। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ पे जो फसलें जब लहलाती हैं तो किसान उल्लास में गाना गाता है और विभिन्न प्रकार का नाचा का आयोजन करता है। तो छत्तीसगढ़ का जो ग्रामीण मन का जो उल्लास है, जो जीवंत स्वरूप है, यहां पर दिखाई देता है। नाचा में क्या होता है, नाचा लोकनाट्य में अंतर्निहित ऊर्जा, लोगों की जो ऊर्जा है, जो खुशी है, जो ताजगी है और ओजपूर्ण जो संगीत है, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक दर्शक श्रोताओं के मन मस्तिष्क को उसी तरह प्रभावित करती है जिस तरह अन्य राज्यों में परंपरागत रूप से चले आ रहे लोकनाट्य अपने अपने लोकजनों को आकृष्ट ही नहीं करते हैं बल्कि उनमें रमने आनंदित होने के पूरे अवसर भी प्रदान करते हैं। तो लोकनाट्य जीवन से जुड़े होते हैं, ये इतने जीवंत होते हैं कि लोग पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको पूरी तरह से उसमें निमग्न हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। इसी प्रकार जैसे अन्य राज्यों के जो लोकनाट्य हैं वे बहुत ही प्रसिद्ध हैं, लोग उसमें पूरी तरह से डीपली इन्वॉल्व होते हैं, वैसे ही यह भी है और इसमें लोगों को आनंदित होने का पूरा अवसर मिलता है, पूरा अवकाश मिलता है। इस नाट्य रूप नाचा गम्मत शैली भी कहा जाता है या लोक प्रसन्न शैली भी कहा जाता है। इसमें वास्तव में व्यंग्यात्मक होते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न मतलब इसमें व्यंग भी होता है, हंसी मजाक भी होता है, इसीलिए इसे नाचा गम्मत शैली कहा जाता है या लोक प्रसन्न शैली भी कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह नृत्य प्रधान शैली है, नाचा यानी नृत्य का मंच, तो इसमें भी नृत्य प्रमुख होता है, नाचा मतलब नृत्य और नाचा यहां मतलब है नृत्य का मंच, डांस का मंच। नाचा के कलाकार ददरिया और कर्मा गीतों के साथ सारंगी मादर बजाकर नाचते हुए गड़ी मेले तथा अन्य मांदर बोलते हैं इसको, नाचते हुए गड़ी में मड़ई मेले तथा अन्य धार्मिक उत्सवों पर अपना नाच प्रस्तुत कर आजीविका कमाते हैं। तो यहां पर छत्तीसगढ़ में जो प्रमुख लोकगीत है वो कौन से हैं, ददरिया और कर्मा। तो जब नाचा गम्मत होता है तो ददरिया और कर्मा ये लोग गाते हैं और विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, लोग सारंगी मांदर इत्यादि बजाते हैं। मड़ई मेला जब मेला वगैरह लगता है, जैसे अभी उसके समय लगेगा, अभी महाशिवरात्रि के समय जो मेला लगता है या फिर कोई मड़ई मेला लगता रहता है समय समय पर, और जो अन्य धार्मिक आयोजन होते हैं वहां पर डांस करके नाचा करके अपनी आजीविका कमाते हैं। नाचा का पाठ ठेठ ग्रामीण मुहावरा और प्रवचनों तथा अभिनेता की हरकतों के माध्यम से जनता तक पहुंचता है। यह लोक रंजन के साथ ही जन जागृति का भी मंच है। तो इसके साथ लोगों का केवल मनोरंजन भी नहीं होता बल्कि जैसे साक्षरता का मुद्दा है या फिर अभी चुनाव में वोट डालना है या फिर जो सामाजिक कुरीतियां हैं उन सब का भी यहां पर क्या होता है, व्यंग्यात्मक रूप में उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यह ग्रामीण भाषा में यह बहुत ही हाई क्वालिटी का नाचा गम्मत होता है जो अपनी हरकतों के माध्यम से, अपने किरदारों के माध्यम से, वे सामाजिक कुरीतियों को भी उजागर करते हैं और
जन जागृति का भी यह मंच होता है। लोगों का मनोरंजन के साथ ही लोगों की जागृति करना भी इसका उद्देश्य होता है। और नाचा में जो पुरुष होता है, नाचा के अभिनेता पुरुष ही स्त्री और पुरुष दोनों की भूमिका निभाते हैं। नाचा की एक खासियत है, यहाँ पर जो पुरुष होते हैं वही महिला की भूमिका में डांस करते हैं। यद्यपि नए समय में अब इस मंच पर स्त्रियों ने भी प्रवेश कर लिया है, तो वास्तव में जो मौलिक रूप से जो नाचा होता है उनमें जो पुरुष होते हैं वही लड़कियों की तरह लड़की बनकर डांस करते हैं। लेकिन अब आजकल क्या है, लड़कियां भी आने लगी हैं नाचा में। अपनी प्रस्तुति के ढंग में यह बिहार के भोजपुर अंचल के लुप्त होते जा रहे हैं लौंडा नाच सरीखा दिखता है। तो यह जो लड़के डांस करते हैं बिहार में, इसके बारे में मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, तो लड़के लड़की बनकर जो नाच करते हैं बिहार में, बिहार के भोजपुर अंचल में, जो कि धीरे धीरे अब लुप्त हो रहा है, उसी प्रकार का यह डांस है, नाच है। नाचा के सभी अभिनेताओं को नृत्य और गायन अनिवार्यता आना चाहिए। नाचा के जितने भी अभिनेता हैं, जितने भी हीरोज हैं, उनको क्या आना चाहिए, डांस भी आना चाहिए और गाना भी आना चाहिए, तभी वो उसमें शामिल हो सकते हैं। आखिर रंग भाषा के निर्माणकर्ता और संप्रेषण के माध्यम यही अभिनेता तो हैं, जो वेशभूषा हाव भाव अभिनय संगीत में कमाल की दक्षता हासिल किए होते हैं। पर नाचा के जो कलाकार होते हैं बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। वे अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, अपने एक्शन के माध्यम से, अपनी भाव भंगिमा के माध्यम से, अपनी चेष्टाओं के माध्यम से, अपने गाने के माध्यम से और अपने नृत्य और संगीत वेशभूषा हाव भाव के माध्यम से वे क्या है, जो भी चीज वो संप्रेषित करना चाहते हैं, जो भी चीज कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उसके बहुत ही बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। और ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और कमाल की दक्षता हासिल किए हुए होते हैं। ये कलाकार प्रस्तुति के किसी भी क्षण या मध्य में सवाल जवाब, नृत्य गीत या हंसी ठट्ठा शुरू कर देते हैं। तो आपस में हंसी में, जैसे कार्यक्रम चल रहा है बीच में वे हंसी मजाक करना चालू कर देंगे, प्रश्न पूछेंगे एक दूसरे से, मतलब मस्खरा टाइप के रहते हैं, जोकर टाइप के लोग रहते हैं, और नृत्य गीत भी चालू कर देंगे, अचानक गाने लगेंगे, अचानक डांस करने लगेंगे, हंसी मजाक करने लगेंगे, इस टाइप का होता है। अभिनेता नाचा का केंद्र है वैसे ही जैसा अन्य नाट्य रूपों में वह केंद्र में होता है। तो जैसे अन्य नाट्य रूपों में जो सबसे प्रमुख भूमिका किसकी होती है, अभिनेता की होती है, वैसे ही इस नाट्य रूप में भी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अभिनेताओं की होती है, कैरेक्टर्स की होती है। अब आता है सॉन्ग। और यदि मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं, क्योंकि यह बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा कोई टॉपिक रहता है। तो अब सांग क्या है, हरियाणा का लोक नाट्य है सांग। तो यह सांग नाटक के किसी शास्त्रीय रूप और बंधन से पूरी तरह से नहीं जुड़ता, मतलब इसका कोई पर्टिकुलर कोई लिटरेचर नहीं है हमारे पास, कोई शास्त्रीय रूप नहीं है। श्री जगदीश चंद्र प्रभाकर सांग का प्राचीनतम नाम संगीतक मानते हैं। इनका कहना है कि सांग का प्राचीनतम नाम क्या, संगीतक है। उनका मानना है कि संगीतक से संगीत और संगीत से सांग शब्द बना है। तो यह सांग शब्द कहां से आया बताना चाह रहे हैं, जबकि सुरेश अवस्थी नाम के जो विद्वान है इनका कहना है कि नौटंकी, संगीत, भजन, निहालदे और स्वांग यह सभी समानार्थी हैं। इसका समानार्थी मानते हुए स्वांग को इसका प्राचीनतम रूप माना है, मतलब स्वांग या सांग इसका प्राचीनतम रूप क्या है, सांग है, स्वांग है प्राचीनतम रूप। सांग की उत्पत्ति का संदर्भ चाहे जो भी हो, जैसे भी यह उत्पत्ति है उस पर हमको नहीं जाना है, पर इतना तय है कि यह हरियाणा के जन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है। तो यह सांग या स्वांग क्या है, हरियाणा के जन समुदाय की सांस्कृतिक पहचान है, वहां का बहुत ही महत्वपूर्ण लोकनाट्य है। जैसे कि हर प्रदेश का लोकनाट्य उसका सांस्कृतिक दस्तावेज होता है, वैसे ही सांग भी हरियाणा का सांस्कृतिक दस्तावेज है। लोकनाट्य में किसी अंचल की या फिर क्षेत्र विशेष की पूरी संस्कृति प्रतिबिंबित होती है, परिलक्षित होती है, मुखर होती है और वह वहां का सांस्कृतिक दस्तावेज होता है, वैसे ही सांग है। सांग भी खुले आसमान के नीचे, मतलब मुक्ताकाश ओपन थिएटर में होता है, चौतरफा दर्शकों से घिरा लोक रंजन और लोक रुचि का क्षेत्र है। लोक रंजन मतलब लोगों का मनोरंजन करना और लोक रुचि का क्षेत्र है मतलब लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। इसके कलाकार अभिनय कुशल होते हैं, बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं, संगीत के विशेषज्ञ होते हैं तथा दर्शकों को नृत्य संगीत और भाव संप्रेषण के माध्यम से बांध कर रखते हैं। यहां पर भी नाचा की तरह बहुत ही टैलेंटेड होते हैं इसके जो कैरेक्टर, जो भी अभिनेता होते हैं, और वे अपने डांस के द्वारा, अपने बॉडी लैंग्वेज के द्वारा, अपने वेशभूषा के द्वारा लोगों को पूरी तरह से बांध कर रखते हैं, दर्शकों को। अब सांग के सर्वाधिक प्रसिद्ध महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है, सांग में पंडित लक्ष्मीचंद की प्रसिद्धि बहुत है, इन्हें सांग का सम्राट कहा जाता है। पंडित लक्ष्मीचंद स्वयं ही सांग में विभिन्न भूमिकाओं का निर्वहन करते थे। हरिश्चंद्र सांग नाम का उनका एक सांग बहुत प्रसिद्ध हुआ है और उसमें उनका इतना अभिनय इतना बेहतरीन होता था कि जितने भी दर्शक इस हरिश्चंद्र सांग को देखते थे वे बहुत ही आंखों में आंसू लिए वापस लौटते थे, इतना इमोशनल हो जाते थे। यही तो लोक कविता और लोक नाटक की सबसे बड़ी खूबी है
कि दर्शक पात्रों के साथ ही जीते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, जो लोक नाट्य लोक नृत्य होते हैं हमारे जिंदगी से जुड़े होते हैं, जो लोक कविता लोक गीत लोक नाट्य होते हैं वे आम जनता से आम जनजीवन से वहां से उठाए जाते हैं, वहां से लिए जाते हैं और वह लोगों को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं कि उनमें उनका पूरा जीवन ही परिलक्षित और प्रतिबिंबित होने लगता है। इससे बहुत ज्यादा वो जुड़ाव महसूस करते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। अब निष्कर्ष के परीक्षा में निष्कर्ष लिखना भी बहुत जरूरी है। तो निष्कर्ष के रूप में हम क्या कह सकते हैं लोक नाट्य के बारे में, लोक नाट्यों की रंग भाषा। रंग भाषा मतलब था रंगमंच की भाषा। अब रंगमंच भाषा में केवल भाषा नहीं आता, यहां पर पात्रों का जो अभिनय है, जो उनकी विभिन्न चेष्टाएं हैं, भाव भंगिमाएं हैं, उनके संवाद हैं, उनके आपस में कथोपकथन है, डायलॉग्स हैं, ये सभी कुछ उसमें आ जाते हैं। चाहे वहां पर दृश्य विधान है, मतलब वहां पर चाहे लाइट का डेकोरेशन है, साउंड है, ये सभी मिलाकर लेकिन इसके केंद्र में क्या होता है, अभिनेता होता है। इनके सभी के केंद्र में क्या होता है, अभिनेता होता है। यद्यपि रंग भाषा के लिए जरूरी अवयव प्रकाश व्यवस्था भी है, परंतु लोक नाटकों के मंच पर यह उस तरह से लागू नहीं होता। आपने देखा हो जब थिएटर में जाएंगे तो अब विभिन्न प्रकार के रोशनी का प्रयोग किया जाता है जब थिएटर में जो नाटक खेले जाते हैं बंद थिएटर में, लेकिन जो ओपन स्काई मतलब मुक्ताकाश जो मंच होता है जिसमें लोक नाट्य खेले जाते हैं वहां पर प्रकाश का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता है। लगभग सभी लोक नाटकों में मुक्ताकाशी मंच पर कलाकार अभिनेता अपनी संगीत मंडली और संस्कृत नाट्य परंपरा के मंगलाचरण को अपने हिसाब से प्रयोग करता हुआ संस्कृत के पीठ मर्द मतलब होता है विदूषक या कॉमेडियन या सहनायक को एक्टर अथवा विदूषक के साथ अपनी आंगिक गतिविधियों इम्प्रोवाइजेशन की शक्ति संगीत मंडली के सहयोग व दर्शकों के साहचर्य के साथ खेले जाने वाले नाट्य पाठ को इतना सजीव व संप्रेषणीय बना देता है जिसमें मंच और दर्शकों के बीच की दीवार हट जाती है। यह लोक नाट्यों के सभी रूपों की विशेषता है। लोक नाट्यों का सर्वाधिक विशेषता क्या है, जो संस्कृत के जो नाटक है, जो प्राचीन नाटक है उसमें सबसे पहले मंगलाचरण होता था, भगवान देवी की स्तुति, सरस्वती जी की स्तुति या फिर गणेश भगवान की स्तुति होती थी, उसी तरह यह मंगलाचरण से शुरू होता है और इसमें भी विभिन्न प्रकार के पात्र पाए जाते हैं, चाहे सहनायक है या फिर विदूषक है। सभी लोक नाट्यों में सहनायक अथवा विदूषक पाए जाते हैं या फिर सूत्रधार पाए जाते हैं और ये अपने नित्य संगीत भाव भंगिमा चेष्टाओं के माध्यम से इतना जीवंत कर देते हैं स्टेज को, अपने अभिनय को इतना जीवंत कर देते हैं कि जो दर्शक हैं वे पूरी तरह से अभिनेताओं के साथ तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, उनका साधारणीकरण हो जाता है और मंच और दर्शकों के बीच की जो दूरी है वह दीवार हट जाती है और वे स्टेज का ही हिस्सा हो जाते हैं, उस मंच का ही हिस्सा बन जाते हैं। जब हम मतलब बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, पूरी तरह से जनता रम जाती है उसमें। जब हम इन लोक नाटकों की रंग भाषा पर बात करते हैं, रंग भाषा बता चुका हूं ऊपर आपको, तब हम रंगमंच के पुरातन और आधुनिक रंग प्रयोगों से निर्मित होने वाली रंग भाषा के बरक्स मतलब की तुलना में उस लोक परंपरा के प्रदर्शनकारी कला रूपों और उसके प्रभावों को देखने की कोशिश करते हैं जो मुख्यतः नृत्य गीत संगीत के माध्यम से खुले मंच पर अभिनेता की देह गतियों, देह भाषा और उसकी दक्षता से उपजी होती है। जब हम लोक नाटकों की रंग भाषा पर बात करते हैं, जब उनके स्टैंडर्ड जो नाटक होते हैं जो थिएटर में खेले जाते हैं जब उनसे तुलना करते हैं, तब हम यह पाते हैं कि जो लोक नाट्य होते हैं उनका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, उनका नृत्य संगीत खुले मंच पर उनकी अभिव्यक्ति और पात्रों के माध्यम से, अभिनेताओं के माध्यम से, उनके बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से और उनकी दक्षता से, उनके टैलेंट से जो प्रतिभा निखर कर आती है, जो नाटक लोक नाट्य निखर कर आता है वह कहीं उससे कई गुना बेहतर होता है और बहुत ज्यादा प्रभावी होता है, लोगों पर ज्यादा प्रभाव डालता है। मतलब जो मुक्ताकाशी मंच है ओपन थिएटर जो है वह बंद थिएटर के बजाय ज्यादा प्रभावी होता है और लोगों के जनजीवन से जुड़ा रहता है, उन्हें बहुत ज्यादा गहराई से प्रभावित करता है यदि हम स्टैंडर्ड थिएटर के नाटकों से उसकी तुलना करें तब। भारतीय रंगमंच की भाषा ठेठ भारतीय लोक कला रूपों से जन्मती है। इसकी अनदेखी दरअसल अपने सांस्कृतिक पहचान और जड़ों की अनदेखी है। मतलब जितने भी भारतीय लोक नाट्य हैं चाहे किसी भी प्रांत के हों, वहां की जो भाषा होती है, जो मंच की जो भाषा होती है, जो पात्रों की जो भाषा होती है वह क्या ठेठ देहाती होती है, ठेठ भारतीय होती है और यह हमारी सांस्कृतिक पहचान है। हम इससे कट कर नहीं रह सकते, यदि हम इससे कट गए तो हमारी संस्कृति ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जैसे कि अभी छठ पूजा है तो चाहे यूपी बिहार के लोग चाहे जहां भी रहे लेकिन छठ पूजा को पूरी उसी श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं छठ पर्व को, और यह धीरे धीरे पूरे भारत में भी प्रचलित हो रहा है, विदेशों में भी जहां पर भी ये जन समुदाय है वो पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ पूजा को मनाते हैं, क्योंकि हम अपनी सांस्कृतिक जड़ों से हमेशा गहराई से जुड़े रहते हैं और जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति को लेकर जरूर जाते हैं। इन लोक नाट्यों की इसी शक्ति को भारतेंदु से लेकर हबीब तनवीर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना,
रतन थियम और ये बड़े बड़े कुछ नाम हैं, हबीब तनवीर, सरेसल दयाल सक्सेना, रतन थियम, शांता गांधी, कारंत, वीबी कारंत जैसे रंग चिंतक उन्हें पहचाना है। तो इसका कितना महत्व, इतने बड़े बड़े लोग हैं जो इन्होंने इसको महत्व दिया है, इसको पहचाना है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे कि भारत में जो हिंदी भाषी जो क्षेत्र है उनमें प्रचलित लोकनाट्य है। निश्चित रूप से मेरा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और यदि आपका आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और अपने मित्रों के साथ भी इसे साझा जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।